हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ स्टोरी टाइम। सो बेसिकली यहाँ हमें आज आपके लिए टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की एक स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे हम क्लाउड समझेंगे कैसे, कहाँ कौन सी लेयर पे क्लाउड पाए जाते हैं और उनकी क्रोनोलॉजी। सो बेसिकली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक ट्रोपोस्फेयर नाम की कॉलोनी है और वो कॉलोनी जो है 6 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है। तो जो इनिशियल किलोमीटर्स है 0 से 2 किलोमीटर के बीच में एक फैमिली रहती है जिसमें 5 मेंबर्स है। तो वहां एक बच्चा है स्ट्रैटस, जो स्ट्रैटस है अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता है। तो बच्चे का नाम तो क्या है, स्ट्रैटस, और उसके पापा का नाम है क्यूमलस और उसके मम्मी का नाम है स्ट्रैटो क्यूमलस, ठीक है। उसके दादा का नाम है निम्बस और उसकी दादी का नाम है क्यूमलो निम्बस। तो ये कहाँ रहते हैं, 0 से 2 किलोमीटर के बीच में ये लोग रहते हैं। स्ट्रैटस एक बच्चा है, ठीक है। उसके दादा दादी जो है निम्बो स्ट्रैटस जो उसके दादा हैं, और क्यूमलो निम्बस जो उसके दादी है। निम्बस जो है उसके दादा, वो बड़े काले से हैं और बड़े गुस्सेल वाले हैं, तो वो गरजते बरजते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है तो। और सेम उनकी जो दादी है क्यूमलो निम्बस, तब उन्हें गुस्सा आता है, वो भी बड़ी गुस्सैल, तो उन्हें गुस्सा आता है, तो वो 0 से 2 किलोमीटर को छोड़कर वो 6 किलोमीटर तक गुस्से में चली जाती हैं और वहां जाके गरजती बरसती हैं, ठीक है। सो बेसिकली दोनों गुस्से वाले हैं। अब क्या होता है कि जो उसकी दादी है स्ट्रैटस की, जो कि क्यूमलो निम्बस है, वो बोलती है कि अब हमें स्ट्रैटस की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि अब स्ट्रैटस बड़ा हो गया है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, उनको उन 0 से 2 किलोमीटर से निकलकर ट्रैवल करके बहुत दूर 6 किलोमीटर से आगे जाना है लड़की को देखने, ठीक है। अब उनको क्या करना है, अब उन्हें निकलना है, तो अब उनको सोचना है कि वो कैसे जाएं। तो वो सोचते चलो हमें कैब हायर करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे 2 किलोमीटर से आगे चलते हैं तो उन्हें कैब स्टैंड मिलता है, जो कि कैब स्टैंड वाले की एक शर्त होती है कि हम सिर्फ 2 से 6 किलोमीटर तक ही आपको छोड़ेंगे, 6 किलोमीटर से आगे आपको खुद जाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सोचते हैं। तो वो 2 कैब हायर करते हैं, जिसमें एक का नाम है ऑल्टो स्ट्रैटस और दूसरे का नाम है ऑल्टो क्यूमलस, ठीक है ना। तो वो ऑल्टो स्ट्रैटस और ऑल्टो क्यूमलस नाम की एक कैब हायर करते हैं, जिसमें वो 5 बैठते हैं लड़की को देखने जाने के लिए, ठीक है। फिर वो कैब जो है उनको बेसिकली 2 से 6 किलोमीटर तक ट्रैवल करवाती है, और 6 किलोमीटर पे आके कैब वाले दोनों ड्राइवर उनको बोलते हैं अब आप यहां से उतर जाइए, आपको जहां पहुंचना था आपकी कॉलोनी का वो हिस्सा आ चुका है, अब आप यहां से पैदल जा सकते हैं, ठीक है। वो उतरते हैं, फिर वो 6 किलोमीटर से आगे ट्रैवल करते हैं, और 6 किलोमीटर से जैसे ट्रैवल आगे करते हैं, वहां उनको जिसके घर में जाना होता है उनका नाम होता है साइरस, ठीक है। साइरस जो है बेसिकली एक लेडी का नाम है, जो अपनी बहुत ही खूबसूरत बेटी जिसका नाम है साइरोस्ट्रेटस के साथ, सॉरी साइरो क्यूमलस के साथ में रहती हैं। तो वो साइरस के घर जाते हैं, बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर साइरस अपनी बेटी को आवाज देती है कि साइरो क्यूमलस आ जाओ। साइरो क्यूमलस और स्ट्रैटस जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, और उसके बाद में दोनों एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और उसके बाद में उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम है साइरो स्ट्रैटस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक स्ट्रैटस जा जो 0 से 2 किलोमीटर में रहता था, और वो लड़की देखने कहाँ गया, 6 किलोमीटर से दूर, और वहां उसको लड़की मिली, उस लड़की का नाम था साइरो क्यूमलस, और दोनों की खुशहाल जिंदगी और एक सुंदर सी बेटी जिसका नाम था साइरो स्ट्रैटस, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूरी होती है। तो 0 से 2 किलोमीटर में कौन से क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटस देखने को मिलेगा, उसके बाद क्यूमलस, स्ट्रैटो क्यूमलस और निम्बो स्ट्रैटस मिलेगा, ठीक है। और क्यूमलो निम्बस भी देखने को मिलता है। स्ट्रैटो क्यूमलो निम्बस जो होता है बेसिकली वर्टिकल क्लाउड होता है, जो कहां से मिलेगा आपको, वो आपको 0 से 2 में हाई लेवल तक 6 किलोमीटर तक पहुंच जाता है कभी कभी, और बहुत बारिश देता है। सेम निम्बो स्ट्रैटस, पर निम्बो स्ट्रैटस लो लेवल पे बारिश देता है, ठीक है, और बेसिकली बहुत ही डेंस और काला होता है, ठीक है। उससे ऊपर हम चलते हैं तो 2 से 6 किलोमीटर पे हमें क्या मिलते हैं, ऑल्टो स्ट्रैटस और ऑल्टो क्यूमलस, ठीक है। और 6 किलोमीटर के बाद हमें क्या मिलता है, साइरस और साइरो क्यूमलस और साइरो स्ट्रैटस, ठीक है। इस तरीके से कहानी पूरी होती है, और इस तरीके से हमें क्लाउड्स की क्रोनोलॉजी समझ में आती है। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून, आपको और भी कहानियां देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।